JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स भामाशाह मार्ग गांधी चौक सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स भरपूर कलेक्शन मनपसंद डिजाइन सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स चंद्र मार्केट गांधी बालिका स्कूल के पास सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक JDJ राजस्थान में स्वागत करता हूँ। सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर आज 4 दिन हो चुके हैं। सुजानगढ़ पूरी तरह से बंद है, बाजार बंद है, रैलियों पर रैलियां निकल रही है, सड़कें जाम है, हाईवे जाम है और जोरदार प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन चल रहा है, जहां अलग अलग संगठनों से समाजों से रैलियां निकल रही है। वहीं जो धरना स्थल पर हजारों लोग डटे हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी अलग अलग सामाजिक सेविक जो संस्थाएँ हैं वो कर रही हैं। ये देखिए इस वक्त यहाँ पर ये भोजन तैयार हो रहा है, पूड़ियाँ गरम गरम निकाली जा रही है, सब्जियाँ तैयार हो रही है, मिठाइयाँ तैयार हो रही है। जो धरने पर जो लोग डटे हुए हैं, जो सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर डटे हुए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएँ हो रही है। कल प्रजापति समाज के द्वारा था और आज ये जो भोजन तैयार हो रहा है ये ओसवाल समाज सुजानगढ़ के द्वारा तैयार हो रहा है। और ये जो दृश्य है ये पार्षद मधुजी बागरेचा विद्या प्रकाश जी बागरेचा के घर का है, जहाँ पर ओसवाल समाज के लोग यहाँ एकत्रित भी हैं, सहयोग कर रहे हैं, भोजन तैयार हो रहा है। और ये देखिए 13 पंथी ओसवाल समाज सुजानगढ़ के द्वारा ये भोजन व्यवस्था आज की तैयार की जा रही है। मैं बातचीत करूँगा कुछ लोगों से जो यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। अजय जी चोरड़िया से मैं बातचीत करता हूँ। सर जो थोड़ा आज का ये भोजन जो व्यवस्था ओसवाल समाज तैयार करवा रहा है, किस तरह का समर्थन ओसवाल समाज सुजानगढ़ जिला मांग को कर रहा है? हमारा पूरा ओसवाल समाज इसके लिए तन मन धन के साथ इनके साथ आगे आया है और अभी लगभग 2500 व्यक्तियों का पूरा खाने का प्रोग्राम हमारे ओसवाल समाज के द्वारा अभी हम जाके देने के लिए जा रहे हैं। पूरे समाज के व्यक्ति भी आ रहे हैं, कुछ आगे है कार्यकर्ता। और हमने जब भी इस समाज को या देश को या सुजानगढ़ को जब भी जरूरत हुई है तो हमारा 13 पंथ समाज, हमारा जैन समाज आगे रहा है, आगे कोरोना में भी आगे रहा है और अभी भी ये आगे भी है। और हम चाहते हैं कि हमारा सुजानगढ़ जिला बने, ये हमें आशा। बिल्कुल अपने अपने तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, जहां रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं और रसद के प्रबंध यहां से हो रहा है। पार्षद मधुजी बागरेचा क्या कहेंगे? ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि सुजलग जिला बनाने के लिए जो जन आंदोलन अभी चल रहा है उस आंदोलन में जो आवागमन करने वाले व्यक्ति हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है। उनके लिए ये थोड़ा हम अपने समाज की तरफ से कदम उठा रहे हैं कि उनको भोजन की खाने की व्यवस्था दी जाए ताकि वो लोग भूखे नहीं रहे। और हमारा समाज कोरोना काल में भी इसी तरह अग्रसर रहा, किसी एक दिन भी नहीं, पूरा जितने महीने लॉकडाउन रहा उतने महीने हमारे समाज ने ये सेवाएं दी और लगभग करीब करीब 700-800 आदमियों का दोनों टाइम हमारे समाज ने खाना दिया। और आज भी समाज ने ऐसी स्थिति देखते हुए 2500-3000 आदमियों के खाने की व्यवस्था की है। जहाँ जहाँ ये व्यवस्था है, जाम लगी हुई है, वहाँ वहाँ सब जगह हमने ये व्यवस्था की है और अभी यहाँ से ये खाना लेके जाएंगे समाज की तरफ से। बिल्कुल, सुजानगढ़ जिला बनाने की मांग को लेकर के जहाँ समर्थन किया जा रहा है, आंदोलन तूल पकड़ रहा है, उसे और धार प्रदान किया जा रहा है अलग अलग समाज के द्वारा और ये ओसवाल समाज के द्वारा भोजन प्रबंध करके और इस जो आंदोलन है उसको और तीव्र धार देने की कोशिश की जा रही है, कहीं भी आंदोलन कमज़ोर ना पड़े। क्या कहेंगे तरुण जी? मुझे आज कन्यालाल जी सेठिया की एक पंक्ति याद आ रही है, उसमें मैंने अपना जोड़ा है। मैं खूब रड़े हाँ सुजानगढ़ ने जिला बनावण ने हूँ पाँच नहीं राखी में संघर्ष ने शामिल होवण है। जब याद करा सुजानगढ़ के साथी ने के संघर्ष में सब शामिल हुआ, नैणा में रक्त उतर जावा, सुख दुख रहा साथी थे सगड़ा सूती सी उग जगा जावे। सुजानगढ़ आज जितना भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष समिति के सागे में ओसवाल समाज समर्थन कर रहे हैं और उनका कंधा पर कंधा मिलार में बांगे सागे जा रहे हैं और बांगे वास्तर भोजन की व्यवस्था और जगह भी करने की व्यवस्था मांगे ओसवाल समाज के तन मन धनु में बांगे सागे। बिल्कुल, कटे योद्धा कमजोर ना पड़ जाए क्यों? नहीं, कमजोर बिल्कुल नहीं पड़ा भाई जी। मैं तो ओसवाल समाज को इतना सहयोग है कि मैं सोच कौन सका, कभी भी माना कोई यहाँ आपत्ति आई है या विपत्ति आई है तत्पर रही है, 1 रुपया मांगा 100 रुपया मिले माने। और सुबह ला रहा मैं धर्मचंद बाग रहे 7 बजे हूँ, कहीं सब्जी लेनी कहीं वो मैनेजमेंट करो और विजय प्रकाश तो हमारे पागल आदमी है
और टपरा दो। हक अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना हक मांगते। हमें देना होगा सुजला जिला, हमें देना होगा सुजला जिला, हमें देना होगा सुजला जिला। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और ये देखिए भोजन की तैयारियां चल रही है, समाज के लोग ये देखिए गरम गरम पूड़ियां, और ये देखिए खाना तैयार हो रहा है। और धरना स्थल पर और जो आंदोलनकारी लगे हुए हैं उनके लिए और जो वहां पर जाम में फंसे हुए हैं उन सब के लिए भोजन की तैयारियां चल रही है। देखिए गरम गरम, ये देखिए ये पूनम जी हलवाई हैं जो गरम गरम हलवा तैयार कर रहे हैं। क्या कहेंगे पूनम जी, किसके लिए हलवा तैयार हो रहा है? जो रास्ते में जो रुके हुए हैं इनके लिए, और हमारे जो सहयोगी वहाँ पर लगे हैं उनके लिए, हाँ जिला बनाने के लिए लगे हैं उनके लिए, सबके लिए यही है। बिल्कुल सभी के लिए, देख लिए गरम गरम हलवा तैयार हो रहा है, पूड़ियाँ तैयार हो रही है, सब्जियाँ तैयार हो रही है। और इसी तरह से ये देखो बड़े बड़े टब्स में बहुत सारा, ये लगभग 2500 आदमियों का ये भोजन यहाँ पर तैयार हो रहा है। इसी तरह से अपने अपने तरीके से समाज के सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, और ये ओसवाल समाज की तरफ से भोजन तैयार होकर जो धरना स्थल है वहाँ पर ले जाया जा रहा है।